12 सीटों पर कांग्रेस की हुई ऐतिहासिक जीत, जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस के आंतरिक और सरकार की खुफिया एजेंसियों के सर्वे से मिले फीडबैक से प्रदेश कांग्रेस के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उत्साहित हैं। कांग्रेस को फिर ग्वालियर चंबल के रास्ते से प्रदेश में सत्तारूढ़ होने की उम्मीद बधी है। यही कारण है कि नाथ ने दिग्विजय सिंह को किनारे कर ग्वालियर चंबल अंचल में कमान संभाल ली है। दोनों अंचलों से जुड़े निर्णय स्वयं ले रहे हैं और स्थानीय नेताओं से सीधे संवाद भी कर रहे हैं। वे ग्वालियर अंचल में सप्ताह भर में 2 यात्राएं कर चुके हैं। भाजपा के आधार स्तंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता विजय राजे सिंधिया ने पार्टी को मजबूत आधार प्रदान किया था। पितृपुरुष कुशभाऊ ठाकरे ने भी संगठन को मजबूती प्रदान करने में अथक परिश्रम किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब हुई। इस चुनाव में कांग्रेस को दोनों अंचलों में व्यापक जन समर्थन मिला। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस 34 विधानसभा सीटों में से 27 सीटें जीतने में कामयाब रही और भाजपा को केवल 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसी कारण उसे सत्ता से बाहर भी होना पड़ा। एक सीट बसपा के खाते में गई थी, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ठीक विपरीत थे। इस चुनाव में 20 सीटें भाजपा ने जीती थी और 12 सीटों पर जीत कांग्रेस के खाते में आई थी। 2 सीटों पर बसपा उम्मीदवार जीते और इस कारण भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। कमलनाथ की ग्वालियर चंबल अंचल सक्रियता का दूसरा बड़ा कारण केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी सरकार गिराने का हिसाब चुकाना बताया जाता है। कमलनाथ के राजनीतिक करियर में बहुमत मिलने के बाद प्रदेश में सरकार नहीं चला पाने का बड़ा दाग लगा है। उनकी सक्रियता का दूसरा कारण पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ भी है, जहां भूपेंद्र सिंह बघेल अपना कार्यकाल पूरा करने के साथ दूसरी बार सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।